गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की एक्टिविटी हम आर्ट सेलिब्रेशन में करेंगे। होप्स आपने सबने अब बुक्स खरीद ली होंगी। बहुत सारी एक्टिविटी हम पहले कर चुके हैं और आज हम करेंगे पेज नंबर 13। इसके अंदर है फ्लावर पॉट, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पेंसिल कलर यूज़ करने हैं। अगर आपके पास पेंसिल कलर नहीं है तो आप क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कैमलिन के पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए। तो अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है, कोई नहीं, आप क्रेयॉन्स भी कर सकते हैं। जो कलर आपके पास हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डार्क कलर करना है, बिल्कुल भी आपको जगह छोड़नी नहीं, वाइट स्पेस नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। इस तरह से आपको करना है। कलर आप अपनी पसंद से कोई से भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया है, ऑरेंज कलर, और वो भी कैमलिन का। इस तरह से मैं चारों फ्लावर को करूँगी ऑरेंज कलर से, और जो हमारी लीव्स है उसको हमको करना है ग्रीन। इसमें आप लाइट डार्क जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो कलर पेंसिल का बॉक्स है वो 24 शेड्स भी आते हैं, 12 शेड्स भी आते हैं, इसमें अलग अलग आते हैं। तो आप 12 शेड वाला भी ले सकते हैं और 24 शेड्स वाला भी ले सकते हैं। इसके अंदर भी ग्रीन कलर है, इसको आपको डार्क करना है अच्छे से। अब इसके अंदर फ्लावर पॉट में आपको कलर करना है। आप अपनी पसंद के कोई से भी कलर कर सकते हैं इसके अंदर भी। जैसे मुझे पर्पल पसंद है तो मैं ये वाला कलर कर। कलर को आपको अच्छे से डार्क करना है। और अब यहाँ पे आप येलो कलर ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद है। आप इस तरह से येलो के बाद मैंने यहाँ पे फिर से पर्पल कलर लिया है। ये अच्छे से डार्क आपको करना है। जैसे जिस तरह से हम क्रेयॉन्स करते हैं उसी तरह से आपको पेंसिल कलर को भी यूज़ करना है। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी पसंद से कोई सा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एक्टिविटी को पूरी करके अपने जो क्लास ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।